इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब वक्त हुआ है इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार का। नजर है उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों पर जिनका असर होगा 2022 के चुनाव पर। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की तीन बड़ी खबरें क्या है। तो जल्दी से अब आपको बता दें, तो पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी को जोर का झटका दिया, मऊ सीट से मुख्तार का टिकट काट दिया। ट्वीट करके कहा, इस बार कानून का राज चलेगा। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ओवैसी की पार्टी ने मुख्तार को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया, अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे डाला। अगर मुख्तार इसके लिए हामी भरते हैं तो भाईजान के दुश्मन वो बन जाएंगे, दुलारे बन जाएंगे। मुख्तार से मायावती का क्यों हुआ मोह भंग, ये आपको बताएंगे। साथ ही पहले अतीक अहमद और अब मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश में ओवैसी का क्या है सियासी प्लान, ये आपको आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर ओवैसी को लेकर है। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का दाव उल्टा पड़ गया है। बाराबंकी में ओवैसी पर एक नहीं दो दो केस दर्ज हो गए। क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन जल्दी से आज की तीसरी बड़ी खबर प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई है। प्रियंका 5 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर है, कांग्रेस की चुनावी स्ट्रेटेजी को फाइनल टच देने में जुटी हैं। और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 12,000 किलोमीटर की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा पर फाइनल मोहर लगा दी है। इस यात्रा की क्या है इनसाइड स्टोरी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद यूपी के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी को आज मायावती ने जोर का झटका दे दिया। इधर मायावती ने मऊ से टिकट काट दिया, उधर ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का बयान आ गया। मुख्तार अंसारी का एआईएमआईएम में स्वागत है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि एआईएम की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि अगर अंसारी चाहते हैं तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उन्हें टिकट देंगे। ओवैसी के प्रवक्ता ने मुख्तार अंसारी को लेकर और क्या कुछ कहा, सबसे पहले जरा उसे सुन लेते हैं। जब तक अतीक अहमद साहब मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतना नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपके पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। एमआईएम सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है, आप इन हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। अब जरा जल्दी से जान लेते हैं आखिर ओवैसी की पार्टी के मुख्तार प्रेम की वजह क्या है, क्यों आगे बढ़कर उनके प्रवक्ता ने मुख्तार अंसारी को एआईएमआईएम में आने का न्योता दे दिया, इसे भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तारीख में मुख्तार अंसारी कैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पॉलिटिक्स के हेडलाइन बन गए हैं, जरा इसे जान लेते हैं। मुख्तार को ओवैसी की पार्टी क्यों ऑफर कर रही है, इसकी वजह है बीएसपी प्रमुख मायावती का फैसला। मायावती ने आज मुख्तार अंसारी को लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और उनको बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने क्या ट्वीट किया, पहले जरा यह आपको बता देते हैं। बीएसपी का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल कर लिया गया है। मायावती ने मुख्तार का टिकट काटने के बाद यह संदेश देने की भी कोशिश की कि अब बीएसपी में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। मायावती ने एक और ट्वीट किया, अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जनता की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत लिए गए इस डिसीजन के बाद पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे उम्मीदवारों का चयन करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई भी मुश्किल कोई भी दिक्कत ना हो।
मायावती ने कहा कि 2022 में पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बाहुबली और माफियाओं को टिकट नहीं देगी। मायावती ने कहा कि मऊ सीट से भीम राजभर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर दो बार चुनाव जीत चुके हैं, अब मुख्तार अंसारी पर बसपा की नई लाइन समझ लेते हैं। इसके लिए आपको बीएसपी के नेताओं को जरा सुनना होगा। पार्टी का अपना डिसीजन होता है और हम सभी पार्टियों में देखिए टिकट कटते हैं, और देखिएगा अभी भारतीय जनता पार्टी में तो 100 टिकट कट जाएंगे। जब पार्टी को लगता है कि यहाँ से चुनाव और दूसरा आदमी अच्छा लड़ सकता है तो रिप्लेसमेंट होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा माफिया अपराधी है उनको पार्टी में। हाँ, तो ये तो सही है कि अब हमारी पार्टी तय कर चुकी है और सारे कोऑर्डिनेटर से कह दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट आप तलाशिए उसकी आपराधिक छवि को देख लीजिएगा, आपराधिक छवि ना हो वरना कार्रवाई करनी। माफिया की जो बात है कि जो कहा गया कि मुख्तार अंसारी माफिया इसलिए टिकट नहीं देंगे, तो मुख्तार तो पहले भी माफिया था। नहीं थे, हम तो वही कह रहे हैं कि अब हम अपने चीज़ को अब कोऑर्डिनेटर्स को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि ऐसे छवि के लोगों को मत दिया जाए पार्टी में। ऐसे जिनकी छवि खराब है, जिन पर धाराएँ लगी हैं, उनको किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। कि अपराधियों के लिए बहुत सख्त रही हैं पहले भी। 2007 में देखे रमाकांत यादव एमपी थे, ये तो मुख्तार अंसारी भी एमएलए हैं, वो एमपी थे और वहाँ पे भू माफिया की भूमिका निभा रहे थे और जिला प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा था। तो मायावती बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लखनऊ बुलाया अपने ऑफिस में कि मिलना है मुझसे। जब यहाँ आए तो एसएसपी लखनऊ को फ़ोन किया कि आ गए हैं, पकड़ लो इनको। अपने क्या नाम है सांसद को अगर गलत काम कर रहे थे तो पकड़वाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, और किसी ने किया होता आप बताइए। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर्द। यहां आपको बता दें मुख्तार अंसारी पिछले 16 वर्षों से अलग अलग जेलों में बंद रहे हैं। आखिर बार लोगों ने मुख्तार अंसारी को व्हीलचेयर पर बैठे देखा, लेकिन अब मायावती ने उसे बीएसपी के हाथी से उतार दिया। यही तो सियासत है। 4.5 साल पहले मुख्तार ने मायावती को मुस्लिम वोटों पर पकड़ रखने वाले नेता की छवि दिखती थी। मीडिया के कैमरों के सामने मुख्तार को समाज का प्रभावशाली शख्सियत बताती थी मायावती। जनवरी 2017 में मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय तक हो गया, लेकिन अब वही मुख्तार मायावती के लिए माफिया बन गया है, बाहुबली हो गया है। मायावती के इस बयान ने विरोधियों को बैठे बिठाए उन पर अटैक करने का मौका दे दिया। कभी मायावती के सहयोगी रहे और अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर सीधा अटैक किया। वे बोले बीएसपी में टिकट मिलते ही नहीं खरीदे जाते हैं, बीएसपी में टिकट के लिए थैलियां चलती हैं। इस बार मुख्तार अंसारी से बड़ी थैली वाला मिल गया होगा, इसलिए मुख्तार का टिकट कट गया। सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कैसे मायावती पर तंज कसा। उनसे बड़ी कोई थैली वाला तैयार हो गया होगा, उनसे कोई बड़ी तैयारी वाला मिल गया होगा, इसलिए यह जानते हुए कि मुख्तार अंसारी क्या है, उसके बावजूद दो दो बार उनको टिकट दिया, और ये जानते हुए भी कि जिस मुख्तार अंसारी को दो दो बार उन्होंने टिकट दिया आज उसी को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से बात इसके पीछे कुछ और है। माफिया होना कारण नहीं है, माफिया होना अगर कारण होता तो पहले भी इनको टिकट नहीं मिला होता। तो उत्तर प्रदेश के दंगल में अपना अपना दाव सेट करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी 5 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज प्रियंका कांग्रेस ऑफिस पहुंची और नेताओं के साथ मीटिंग की, कार्यकर्ताओं और नेताओं से आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की, और फिर सामने आया प्रियंका गांधी की नई प्रतिज्ञा का मामला। प्रियंका गांधी की यूपी चुनाव को लेकर प्रतिज्ञा क्या है, आइए जरा वो जानते हैं। चुनाव से पहले प्रतिज्ञा यात्रा करेगी कांग्रेस। रणनीति कमेटी की बैठक में प्रियंका का यह फैसला है कि 12,000 किलोमीटर लंबी होगी ये प्रतिज्ञा यात्रा। हम वचन निभाएंगे नाम से होगी ये यात्रा, बड़े बड़े गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी। यात्रा का रूट और मुद्दों पर बाकायदा इसमें चर्चा होगी। और मथुरा को लेकर योगी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, ये आपको बताएंगे। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश को लेकर योगी सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मथुरा वृंदावन के आसपास के 22 इलाकों को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये सभी श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास यानी 10 किलोमीटर के इलाके हैं।
इनमें गोविंद नगर, मंडी रामदास, द्वारिकापुरी, बनखंडी और हनुमान टीला समेत कुल 22 इलाके हैं। इन इलाकों में अब मांस और मदिरा नहीं बिकेगी, तो यह फैसला लिया गया है। यार रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए आने वाली विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबरें। चुनाव 40 नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।